जय श्री राम। एक शब्द आता है झांझी। झांझी कौन होते हैं? भारतीय सनातन परंपरा के अंतर्गत भारतीय हिंदू समाज में क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों में ये शब्द पाया जाता है झांझी, और दोनों का गोत्र कौशल होता है। एक बात याद रखें, ये झांझी कौन होते हैं? वास्तव में ये झांझी कहीं से शब्द निकला नहीं है, ये एक गांव का नाम है। झांझी जो शब्द है ये पंजाब के अंदर एक दयालपुर शहर है, दयालपुर के निकट एक झन्नीवाल नामक बस्ती है, गांव कह लीजिए, पंजाब के दयालपुर के पास झन्नीवाल नामक एक स्थान है। वहाँ के रहने वाले अधिकतर अक्षत्रिय और ब्राह्मण ही थे, उसमें अक्षत्रिय ज़्यादा थे, तो वो जो थे वो कौशल गोत्रीय थे, तो वो झन्नीवाल जो थे वो अपने नाम के साथ झांझी लगाते थे। तो वहाँ से इस झांझी शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस बात का ध्यान रखें, ये झांझी जो हैं इनका गोत्र कौशल है, और इन कौशल गोत्र वालों की गद्दी हरियाणा के पानीपत के अंदर श्री बीरा जी कृपा धाम आश्रम में है। वहीं पे झांझी कौशल गोत्र की जो है कुलदेवी शिवाय माता का मंदिर है, और कौशल गोत्र के जठेरों का स्थान है, कुल देवता श्री बीरा जी महाराज का स्थान है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, कई बार लोग अपने जठेरे जो है सरनेम से अलग स्थान पर बना लेते हैं, जठेरे और सतियां अलग होते हैं, इस बात को फिर ध्यान रखें। वो आपके सरनेम से झांझी के अनुसार कहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन मुख्य जो चीज होती है हमारे वंश की वो गोत्र होती है। तो इसलिए झांझी का गोत्र कौशल है, और इनकी कुल गुरुगद्दी पानीपत में है, श्री बीरा जी कृपा धाम आश्रम है। झांझी कौशल गोत्र वालों की कुल देवी शिवाय माता है, कुल देवता श्री बीरा जी। इसलिए जो भी झांझी लोग हैं वो हरियाणा के पानीपत क्षेत्र में आकर के, जहां पर पानीपत में एक भामना चौक पड़ता है, भामना चौक पर ही एक भामना क्लिनिक है, उसके बिल्कुल सामने वाले स्ट्रीट में आप आएंगे, वहां पे श्री बीरा जी कृपा धाम आश्रम है, वहीं पर कुल देवी कुल देवता कुल गुरु गद्दी है, वहीं पर कौशल गोत्र का स्थान है। आप वहां आकर के अपनी वंश परंपरा में कुल परंपरा में शामिल हो सकते हैं, अपने कुल गुरु से कुल देवी और कुल देवता से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की नई नई जानकारियां मेरा प्रयास रहता है कि मैं भारतीय संस्कृति के एवं प्रचार एवं प्रसार के लिए देता हूं, इसलिए आप सभी मेरे साथ इस संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार में सहभागी बने, और हमारे इस चैनल ज्ञान रस धारा को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय हनुमान। सदा स्वस्थ रहें, सदा प्रसन्न रहें।